भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है। जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। भैया बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आ पाएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा, और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के एससी एसटी ओबीसी और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाना चाहती है और आपके हकों पर कुठाराघात करना चाहती है, और इसीलिए आज हम सब यहां पर आए हैं।